नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भारत योजना पे। आज हम बात करने वाले हैं बैंक ऑफ बड़ौदा वैकेंसी 2024 के बारे में। तो बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से यहाँ वैकेंसी निकाला गया है, तो आप यहाँ कब से कब तक अप्लाई कर पाएंगे, टोटल वैकेंसी यहाँ कितना रखा गया है, क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगा गया है, वो सब हम एक एक करके आपको यहाँ पर बताएंगे। यह है इसका नोटिफिकेशन। यहाँ से आप डेट देख सकते हैं, ये फॉर्म जो है आपका 12 जून से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट जो है 2 जुलाई तक रहेगा। तो अगर आप एप्लीकेबल होंगे यहाँ अप्लाई करने के लिए तो जल्द से जल्द जाके यहाँ पे ज़रूर अप्लाई कीजिए। पोस्ट का नाम यहाँ से देख सकते हैं, फॉरेक्स एग्जीक्यूशन रिलेशनशिप मैनेजर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 11 वैकेंसीज रखा गया है। एज जो है कम से कम आपका 24 होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 35 साल रखा गया है। यहाँ पर जो है मिनिमम आपका 2 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए इन पब्लिक, प्राइवेट, फॉरेन बैंक में। एटलीस्ट 1 ईयर का एक्सपोजर सेल का होना चाहिए। फॉरेक्स एक्सिक्यूशन एंड रिलेशनशिप मैनेजर के लिए यहाँ पे 4 वैकेंसीज है। 26 साल मिनिमम रखा गया है, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 40 साल रखा गया है। एक्सपीरियंस जो है आपका यहाँ पे 4 साल का मांगा गया है। क्वालिफिकेशन इन दोनों के लिए जो है ग्रेजुएशन मांगा गया है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या फिर डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए। क्रेडिट एनालिस्ट के लिए यहाँ पर अगर आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपका ग्रेड हिसाब से है। MMGS 2 के लिए अगर 10 वैकेंसीज है, MMGS 3 के लिए 70 वैकेंसीज है। ग्रेजुएशन यहाँ पे मांगा गया, उसके साथ ही CA चार्टर्ड अकाउंटेंट किया हुआ होना चाहिए। MMGS 3 के लिए जो है ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री किया हुआ होना चाहिए। एज जो है यहाँ पे मिनिमम 25 रखा गया है, ज़्यादा से ज़्यादा 30 है। यहाँ पे एक के लिए 28 से 35 साल रखा गया है। 4 साल का यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है। रिलेशनशिप मैनेजर के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं MMGS 3 के लिए तो 44 वैकेंसीज है। 28 से 35 साल तक के लोग अप्लाई कर पाएंगे। रिलेशनशिप मैनेजर SMGS 4 के लिए 22 वैकेंसीज, 35 से 42 साल तक के लोग अप्लाई कर पाएंगे। ग्रेजुएशन आपको किया हुआ होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से, उसके साथ ही आपको पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या फिर डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए। मिनिमम 1 ईयर का आपको कोर्स किया हुआ होना चाहिए और यहाँ पे 4 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है। एक में आपका 8 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। सीनियर मैनेजर बिजनेस फाइनेंस के लिए जो है आपका 4 वैकेंसीज है। चीफ मैनेजर इंटरनल कंट्रोल के लिए 3 वैकेंसीज है। दोनों के लिए आपका यहाँ पे ग्रेजुएशन मांगा गया है, उसके साथ साथ आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट किया हुआ होना चाहिए। मिनिमम 6 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है इन बैंक्स में और एक में आपका 8 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। यहाँ पे जो है आपको एज में छूट भी मिलेगा। अगर आप शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं 5 साल का छूट, शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं तो 5 साल का छूट, OBC से बिलोंग करते हैं तो 3 साल, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है तो 10 साल तक का एज में छूट मिलेगा। एक्स सर्विस मैन है तो यहाँ 5 साल का छूट मिलेगा। एप्लीकेशन फ़ी यहाँ बताया गया है, तो अगर आप जनरल AWS OBC कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं तो 600 रुपये लिया जाएगा फॉर्म का दाम, और 100 रुपये लिया जाएगा जो SC ST PWD और वीमेन कैंडिडेट हैं उन लोगों को। स्केल बताया गया, स्केल ऑफ पे कितना पेमेंट आपको मिलेगा। MMGS 2 के लिए जो है आपका पेमेंट यहाँ बताया गया 64,820 रुपया मिलेगा। MMGS 3 के लिए 85,920, SMGS 4 के लिए जो 1,23,000 रुपया मिलेगा। यहाँ पे जो आपका प्रोबेशन पीरियड बताया गया, आपका 12 महीने के लिए यहाँ प्रोबेशन पीरियड रहेगा। सेलेक्शन प्रोसीजर, द सेलेक्शन प्रोसेस में कंप्यूटर ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा, साइकोमेट्रिक टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, तो इसके बाद ही आपका यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन होगा। आपका यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, प्रोफेशनल नॉलेज से आपका 75 क्वेश्चन 150 मार्क्स का रहेगा। टोटल 150 क्वेश्चन है, 225 मार्क्स का है। आपको यहाँ पे 150 मिनट टाइम मिलेगा, यहाँ पे 2.5 घंटा का टाइम है। यहाँ रॉन्ग आंसर करने पर, हर एक क्वेश्चन को गलत करने पर आपका 0.25 मार्क्स कटेगा। यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी बताया गया, जो जनरल से बिलोंग करते हैं EWS कैटेगरी उन लोगों को 40% मार्क्स लाना ज़रूरी है, और जो रिजर्व कैटेगरी है उन लोगों को 35% मार्क्स लाना ज़रूरी है। तो अगर आप एप्लीकेबल होंगे यहाँ अप्लाई करने के लिए तो जल्द से जल्द जाके ज़रूर अप्लाई कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इससे इन्फॉर्मेशन मिला हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।